अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया हुसैन शेख, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा से सटे डोंबेली से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जो कल्याण डोंबेली महानगर पालिका की पोल खोल रहा है। 16 घंटे एम्बुलेंस का इंतजार करने पर भी मनपा ने एक कोरोना पॉजिटिव को एम्बुलेंस मुहैया नहीं करवाई, जिसके चलते 3 किलोमीटर पैदल चलकर ये मरीज अस्पताल पहुंचा। पहले आप ये वीडियो देखें कैसे एक शख्स लड़खड़ाता हुआ रोड पर चल रहा है। आप देख सकते हैं इस व्यक्ति के साथ कुछ लोग भी चल रहे हैं जो इस मरीज के दोस्त हैं। मरीज के एक दोस्त ने क्या कहा वो आप सुनिए। एक कोरोना पेशेंट है, महापालिकेकडे त्याला नेण्यासाठी एम्बुलेंस नाही। महापालिकेत फोन केल्यानंतर महापालिकेने सांगितलं की तुम्ही स्वतः चालत या। आज एवढे मोठ्या महामारीमध्ये कोरोनासारखे पेशंट ॲम्ब्युलन्सच्या अभावी चालत जावं लागते लोकांना, ही एक खेदाची बाब आहे। तरी आम्हाला प्रशासनाला विनंती आहे की अशा या गंभीर आणि पॉझिटिव्ह पेशंट आजाराकडे जाणं लक्ष द्यावं त्यांनी। आणि हा ॲम्ब्युलन्सचा जो कार्ड आहे, ॲम्ब्युलन्सनं तर अशा पेशंटला चालत जाणं ही सैयुक्तिक नाही, हा त्यांच्यावर एक प्रकारचा अन्याय आहे। तरी आम्हाला प्रशासनाला विनंती आहे की आज ह्या पेशंटवरची जी वेळ आलेली आहे। तो आपने सुना, इसका कहना है हमने महानगर पालिका को फोन किया तो जवाब मिला हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है, आप चलकर आ जाओ। इस कोरोना महामारी के बीच एक मरीज को पैदल चलकर जाना पड़ रहा है, ये बड़े दुख की बात है। जानकारी मिली है कि ये कोरोना मरीज मुंबई के वाड़िया हॉस्पिटल में वार्ड बॉय है और डोंबेली में रहता है। इस घटना से एक बार फिर से मनपा और प्रशासन की लापरवाही सामने आई है कि एक कोरोना पॉजिटिव को एम्बुलेंस ना मिलने पर पैदल ही अस्पताल पहुंचना पड़ा। तो तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।